हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरी उन सभी वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है तो उसका पार्ट 5 मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो बैक्टीरिया टॉपिक है। तो बैक्टीरिया के ऊपर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनकी एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या जो मोर देन 1 टाइम्स आ चुके हैं लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में। तो चलिए इस सीरीज के पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट्स ड्रग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज। देखिए ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 में आया है, 2004 में आया है और 2013 में आया है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन या डिजीज के खिलाफ कोई ड्रग तैयार करनी है या बैक्टीरिया में कोई रेजिस्टेंस पावर हमें इंड्यूस करनी है या किसी बैक्टीरिया में कोई रेजिस्टेंस पावर पहले से प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया के अंदर वो कौन सा पार्ट है जहां पर वो रेजिस्टेंस पावर होती है, वो कौन सा जीन है, कौन सा फैक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस पावर उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स दिए हैं। देखिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये जो फैक्टर या जो स्पेसिफिक जीन्स है वो होते कहाँ हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, अगर मैं एक बैक्टीरिया का आउटलाइन यहाँ पर दिखाऊँ आपको, एक आउटलाइन में आप देखते हैं कि बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल वॉल होती है और सेल वॉल के बाद क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए होता है जिसको हम क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। इट इज द एक्चुअल डीएनए, एक्चुअल जेनेटिक मटीरियल। इट इज डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए और इसी के पास में कुछ बैक्टीरिया में एक स्मॉलर बट सेम, स्मॉलर तो है लेकिन सर्कुलर फॉर्म में ही है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है इन सम बैक्टीरिया और दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड डीएनए। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। और इस पहले वाले डीएनए को जो कॉमन डीएनए हुआ करता है उसको हम क्या कहते हैं, उस वाले डीएनए को, ये एक्चुअल जो डीएनए है, इस डीएनए की कैसा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है सर्कुलर है। इट इज कॉल्ड एज जीनोफोर। इसे क्या नाम देते हैं, इसे क्या नाम देते हैं, जीनोफोर नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये बातें आती है कि जो स्पेसिफिक जीन होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, तो वो किसके पास होते हैं, प्लाज्मिड डीएनए के पास होते हैं। इसीलिए प्लाज्मिड डीएनए के पास स्पेसिफिक जीन्स होने की वजह से कुछ बैक्टीरिया स्पेसिफिक बन जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के जीन्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि NIF जीन, निप जीन यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला जीन, कोल जीन यानी कोलिसिन टॉक्सिक प्रोटीन को बनाने वाला जीन जो किसी दूसरे अदर बैक्टीरिया को किल ऑफ कर सकता है, उनके लिए टॉक्सिक हो सकता है। ऐसे कुछ और जीन है, एफ जीन यानी फर्टिलिटी जीन, दैट मींस फर्टिलिटी में हेल्प करने वाला जीन। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर जो रेजिस्टेंस पावर देने का काम करता है बैक्टीरियम को, तो उसको हम कहते हैं आर जीन। आर जीन बोले तो रेजिस्टेंस जीन, जीन को फैक्टर भी बोला जाता है। तो आर फैक्टर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर फैक्टर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्लाज्मिड्स आर। अभी मैंने समझाया प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, अरे जो एक्चुअल डीएनए होता है उसे क्या कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, वो भी डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, उस वाले डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। ये सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, इट इज नॉट फाउंड इन ऑल द बैक्टीरिया, इट इज प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, बट दिस डीएनए जीनोफोर इज प्रेजेंट इन ऑल द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटीरियल। आई मीन टू से यही एक आनुवंशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करने का काम करता है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, तो न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल गलत है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ऑप्शन सही नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन भी देखिए आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है, टीजीटी 2002 में आया है, 5 में आया है, 2013 में आया है, तो ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमें एक स्टेनिंग मेथड यहाँ पर दिया, ग्राम स्टेनिंग, एक साइंटिस्ट का नाम था ग्राम
तो ग्राहम ने स्टेनिंग मेथड यहाँ पर दिया है स्टेन करना, स्टेन करने के लिए, और किनको स्टेन करने के लिए, बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए उन्होंने स्टेनिंग मेथड दिया है। तो इनमें से किस डाई का इस्तेमाल उन्होंने किया था वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एनिलीन ब्लू, ये आंसर सही नहीं है, एक बेसिक डाई है, और ये जो डाई होती है ये कोलेजन फाइबर्स को स्टेन करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए जो स्टेनिंग मेथड दिया है ग्राहम ने, उसी के नाम से क्या नाम पड़ा, ग्राहम स्टेनिंग मेथड पड़ा। तो क्रिस्टल वायलेट को उन्होंने यूज किया, क्रिस्टल वायलेट जो है वायलेट कलर की डाई है, और ये जो डाई होती है इसे हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राहम पॉजिटिव है कि ग्राहम नेगेटिव है। तो हम सभी बैक्टीरिया को जब इस वायलेट क्रिस्टल वायलेट डाई से स्टेन करते हैं तो सभी बैक्टीरिया वायलेट कलर के हो जाते हैं, लेकिन हम उनको आयोडीन सॉल्यूशन में जब उनको वॉश करते हैं उसके बाद अल्कोहल एसीटोन से वॉश किया जाता है तो जो बैक्टीरिया कलरफुल रह जाते हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, बट जो बैक्टीरिया कलरलेस बन जाते हैं जिनकी डाई वॉश हो जाती है अल्कोहल से या एसीटोन से तो वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे, और जो बैक्टीरिया कलरफुल हो जाते हैं वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे, जैसे कि माइक्रोकोकस है ना, डिप्लोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये कैसे बैक्टीरिया कहलाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। लेकिन जैसे कि आपने नाम सुना होगा ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया ये कैसा है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो जो कलरलेस बैक्टीरिया है जो इस डाई को के कलर को छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं या वॉश हो जाते हैं किससे, एसीटोन से या अल्कोहल से, तो वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया है, आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल वायलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, जैंथोमोनस सिट्री इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म मूव। तो यूपीएससी एलटी में 2018 में क्वेश्चन आया है, पीजीटी 2013 में क्वेश्चन आया है, और पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो आपने दिया है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फायर ब्लाइट इन एप्पल। तो फायर ब्लाइट एप्पल जो है ये एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इरविनिया, क्या बोलते हैं, इरविनिया बैक्टीरिया होता है, उससे कॉज होता है डिजीज। लेकिन क्वेश्चन क्या है, जैंथोमोनस सिट्री से क्या होता है, एक आगे ऑप्शन क्या दिया है, विल्ट डिजीज इन पोटैटो। जो विल्ट डिजीज इन पोटैटो होता है वो बेसिकली एक स्वेल बोन बैक्टीरिया होता है जिसको हम स्यूडोमोनस स्यूडोमोनस बैक्टीरिया कहते हैं, तो उससे ये डिजीज कॉज होती है, स्यूडोमोनस की स्पीसीज होती है जिससे विल्ट डिजीज कॉज हो जाती है। ये जो सिट्रस कैंकर डिजीज है ये जैंथोमोनस सिट्राई से कॉज होती है, सिट्रस कैंकर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रस कैंकर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, येलो ईयर रोट ऑफ व्हीट दिया है, इस येलो ईयर रोट डिजीज को हम टुंडू डिजीज भी कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टुंडू डिजीज इज कॉज्ड बाय एक बैक्टीरिया है कोरिने बैक्टीरियम ट्रिटिकाई, इसको क्लेवी बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्लेवी बैक्टीरिया या कोरिने बैक्टीरियम ट्रिटिकाई भी कहते हैं, तो उससे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको टुंडू डिजीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, TUNDU, टुंडू डिजीज भी इसको नाम देते हैं, कभी कभी इस नाम से पूछ लेते हैं कि टुंडू डिजीज किससे होती है, आंसर क्या देना होगा इसके रिस्पेक्ट में, क्लेवी बैक्टीरिया या कोरिने बैक्टीरियम ट्रिटिकाई देना होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, सिट्रस कैंकर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द डीएनए पॉलीमरेज व्हिच इज यूज्ड इन पीसीआर इज डिराइव्ड फ्रॉम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आने वाली एक जो टेक्निक है, पीसीआर मैकेनिज्म है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मैकेनिज्म है, उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा बैक्टीरियम है जहां से ये ऑब्टेन किया जाता है, तो उस बैक्टीरियम का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ई कोलाई, इस्ट्रेसिया कोलाई भी कहते हैं, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो हमारे लिए सिम्बायोट का काम करता है और हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, विटामिन के बनाने में हेल्प करता है, ब्लड कंपोनेंट्स के बनाने में हेल्प करता है, डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, पूरा नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस,
तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसेंस भी यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजिकली, इसके पास टी आई जीन होता है, ट्यूमर फॉर्मिंग जीन होता है, लेकिन यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात हो रही है कि किससे सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा थर्मस एक्वेटिकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से ये एंजाइम यहाँ से ओटीएन किया जाता है लेबोरेटरी में, और उससे भी पीसीआर मैकेनिज्म को डिराइव किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप। क्वेश्चन कब आया है, पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप। इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग है जो बिना किसी शेप के है, जिसकी कोई अपनी पर्टिकुलर शेप ही नहीं होती। अब समस्या यहां पर खड़ी होती है कि किसी भी सेल की शेप को मेंटेन कौन करता है, किसी भी सेल की शेप को मेंटेन करने वाला सेल वॉल है, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। तो अब यहां पर गिवन ऑप्शन जो दिए हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं, इनको हम नीली हरी शैवाल कहते हैं। इन सभी साइनोबैक्टीरिया के पास में जैसे नोस्टोक है, एनाबिना है, सिलेंड्रो स्पर्मम है, अवलोसीरा है, प्रोमिक्सा है, ये जितने भी मैंने नाम दिए सभी साइनोबैक्टीरिया है। इन सभी साइनोबैक्टीरिया के हर मेंबर की सेल के पास में सेल वॉल डेफिनेटली प्रेजेंट होती है, उनकी अपनी अपनी पर्टिकुलर शेप हुआ करती है। लेकिन हम जब बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम की, सॉरी यहाँ पर माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा के पास में सेल वॉल होती ही नहीं है। जब इसके पास सेल वॉल होती नहीं है तो उसकी शेप पर्टिकुलर नहीं हो पाती है, इसकी शेप कभी इलोंगेटेड, कभी स्फेरिकल, कभी ओवल है ना, कभी ट्राइंगुलर। तो आई मीन टू से कि इसकी शेप पर्टिकुलर नहीं होगी, क्योंकि इट हैज नो सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होती। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा पूरी दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है, इसका साइज 0.1 म्यू एम तक होता है, तो इट इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इट हैज नो सेल वॉल, इट हैज नो डेफिनेट शेप। तो उसका आंसर क्या है, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गिवन नहीं होंगे, आंसर सही नहीं होंगे। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, वो खुद में सेल नहीं है, एक वायरस है, उसकी कोई शेप कब तक नहीं होगी, जब तक वो लिविंग थिंग के अंदर या बैक्टीरियम के अंदर एंटर नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। जो हम देखिए, जब हमारा खाना मतलब बहुत पुराना हो जाता है या किसी वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उस फूड स्टेप पर कुछ स्पेसिफिक फंगस या बैक्टीरिया लग जाते हैं। अगर हम गलती से उसको खा लेते हैं तो कुछ बैक्टीरिया उसको अफेक्टेड कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। अगर हम उस अफेक्टेड खाने को हम अगर खा लेते हैं तो हमें फूड प्वाइजनिंग हो जाती है। तो कौन सा बैक्टीरियम है जो फूड प्वाइजनिंग कोज करने का काम करता है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है। क्या पहला ऑप्शन क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, तो ऑप्शन यही सही होगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वही फूड पॉइजनिंग कोज करने का काम करता है। ध्यान रखेंगे ये सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है, आई मीन टू से इट डेवलप्स ऑन डेड एंड डिकिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के वेस्ट पार्ट्स होते हैं या वेस्ट फूड स्टफ्स होते हैं उनके ऊपर ग्रो करता है। आगे जो ऑप्शन दिया है सेल्मोनेला टाइफोसा, ये टाइफाइड डिजीज कोज करेगा, ये टिटेनस कोर्स करने का काम करेगा। तो यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की बातें होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन टीजीटी 1999 में आया है, 2010 में आया है, पीजीटी 2004 में आया है, तो मोर देन वन टाइम्स ये क्वेश्चन आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया है उनमें रेस्पिरेशन का मेन साइट कौन है। एक्चुअली में क्या होता है, जो यूकेरियोट्स होते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनमें रेस्पिरेटरी साइट का काम माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम रेस्पिरेटरी साइट कहते हैं। बट बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, वहां पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सोल्युटली एब्सेंट होता है। तो जब हम बातें करते हैं रेस्पिरेटरी साइट के लिए, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि माइटो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि वहां पर जो मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग हो जाती है, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो जाती है। इस इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं, MESOSOME। तो जो काम रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया करता है यूकेरियोट्स में, तो बैक्टीरिया में कौन करेगा, मीजोजोम करेगा। ये
ये मेम्ब्रेन का इंटरनल मॉडिफिकेशन है या इनफोल्डिंग मॉडिफिकेशन है, इट एक्ट एज रेस्पिरेटरी साइट। जो भी एंजाइम वहां पर वर्क करते हैं, जो भी एंजाइम फंक्शन करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो एंजाइम कहां से रिलीज आउट होते हैं, मीजोसोम से होते हैं। और बाकी बातें आप जानते हैं, इसमें अपना डीएनए होता है, प्लाज्मिक डीएनए में भी प्रेजेंट, इसमें फ्लैजेलम होता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और पिलाई भी होते हैं, वो लॉन्ग पिलाई भी होते हैं और स्मॉल पिलाई भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, बाहर की ओर सेल वॉल है और अंदर सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म में अपना राइबोसोम है। हमारा फोकस मीजोसोम पर है, मीजोसोम रेस्पिरेटरी साइट का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मीजोसोम, आंसर मीजोसोम हो जाएगा। राइबोसोम के बारे में आप जानते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। और एपिसोम के बारे में आप जानते हैं, जब जब प्लाज्मिक डीएनए मेन डीएनए, जिसको आप क्या कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, उससे इंटीग्रेट कर जाता है, तो एट दैट टाइम इंटीग्रेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज एपिसोम। माइक्रोसोम क्या होते हैं, जब हम आर ई आर को फ्रेगमेंटेड पीसेज में लेते हैं, तो फ्रेगमेंटेड पीसेज विद राइबोसोम आर कॉल्ड एज क्या कहते हैं, माइक्रोसोम कहते हैं। तो आंसर करेक्ट क्या होगा, साइट क्या होगा रेस्पिरेशन का, मीजोसोम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय एलटी, यूपीएससी एलटी में ये 2018 में ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के दौरान कॉन्जुगेशन प्रोसेस दिया गया था, पहले तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या होता है, हल्का सा आइडिया आपको इसके बारे में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या होता है, दो बैक्टीरियम सेल के बीच में होता है, वहां पर जो पाइलस होता है वो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब को सिंथेसाइज करने का काम करता है बिटवीन टू बैक्टीरियम सेल्स, और वहां पर एक बैक्टीरियम सेल का एफ यानी फर्टिलिटी जीन कंटेनिंग फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए दूसरे वाली बैक्टीरियम सेल में एंटर कर जाते हैं और उसको भी क्या कर देता है, उसको भी फर्टाइल कर देता है, यानी उसमें भी एफ प्लस जीन को एंटर करा देता है, यानी एक डोनेट कर रहा है एक रिसीव कर रहा है। ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, लीडरबर्ग एंड टोटम थे। कौन थे, लीडरबर्ग एंड टोटम थे। ई कोलाई में ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस दिया गया था सबसे पहले। ये जो आगे दिया है जिंदर एंड लीडरबर्ग, ये जो जिंदर और लीडरबर्ग हैं, इन्होंने बैक्टीरियोफेज पर काम किया, बैक्टीरिया के अंदर ही, जो बैक्टीरियोफेज के थ्रू जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, सेल्मोनेला के ऊपर काम किया था इन्होंने, जिंदर एंड लीडरबर्ग ने। तो जब बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ट्रांसफरिंग होती है, तो उस प्रोसेस को देने वाले दोनों साइंटिस्ट थे। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन के देने वाले की बातें हो रही है, तो आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन थ्री के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, तो ऑप्शन थ्री उसके लिए माने जाते हैं। हर्शियन चीज के बारे में आपको अच्छे से पता है, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मेथड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में उन्होंने दिया है आइडिया ई कोलाई के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को अफेक्टेड नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, प्रोटीएज दिया है। प्रोटीएज वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। आरएनए वो एंजाइम होता है जो आरएनए को, राइबोन्यूक्लिक एसिड को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। डीएनए क्या होता है, जो डीएनए को ही डिसॉल्व कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। ऑप्शन क्या है, बी, बोथ ए एंड बी। तो देखिए कौन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं, ग्रिफिथ ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में ये बोला था कि डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अनदर बैक्टीरियल सेल, लेकिन डीएनए को डिसइंटीग्रेट या डिसॉल्व करने वाला एंजाइम कौन है, डीएनएज है। अगर डीएनएज हमने इस्तेमाल कर लिया तो डीएनए नहीं रहेगा, तो इसका मतलब डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वन सेल टू अनदर सेल। तो किन एंजाइम से फर्क नहीं पड़ेगा बैक्टीरियम सेल पर, तो इन दोनों एंजाइम, इसको लेंगे तभी डीएनए फैक्टर नहीं होगा, इसको लेंगे तभी डीएनए फैक्टर नहीं होगा, हमें डीएनए को बचा के रखना है। तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दैट मींस प्रोटीएज एंड आरएनएज। ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्टेड करने का काम नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, ये वाला क्वेश्चन टीजीटी 2011 में आया है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम को देखते हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज, टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये कहता है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा बैक्टीरियम है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। तो ऑप्शन दिए हैं राइजोबियम, राइजोबियम नाम आने से एकदम से सबके माइंड में आ गया होगा कि हाँ यही आंसर राइट है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम
जो स्वेल बैक्टीरियम है, जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, जो लेग्यूमिनस या पल्सिस की रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स को सिंथेसाइज करने का काम करता है, जिसके पास निप जीन्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स होते हैं, जो रूट नोड्यूल्स को फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम सोइल बैक्टीरियम। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, एजोटोबैक्टर भी दिया है, क्लोस्ट्रीडियम भी दिया है। एजोटोबैक्टर भी फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है, क्लोस्ट्रीडियम भी फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है। डिफरेंस ये है कि ये वाला बैक्टीरियम जो होता है ये एरोबिक बैक्टीरियम है, और ये वाला बैक्टीरियम जो है वो एनएरोबिक बैक्टीरियम है, ठीक है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम नहीं आता, ये डिजीज कोजिंग हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया आपने नाम सुना होगा, है ना। तो ये डिजीज कोजिंग बैक्टीरियम है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। व्हाट इज ऑब्टेंड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, पीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन ये बोलता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से गिवन ऑप्शन में से कौन सा ड्रग ऑब्टेन किया जा सकता है। पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है, पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है वो एक्टिनोमाइसिस का एक मेंबर है, और एक्टिनोमाइसिस को कहां पर टेकन किया गया है, किंगडम मोनेरा में टेकन किया गया है। उसमें ही फ्रैंकिया आता है, उसमें ही आप देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस की बहुत सारी स्पीसीज आती है, और ये एक ऐसा स्पीसीज है, ये एक ऐसा जीनस है जिसकी बहुत सारी स्पीसीज है, और उनकी बहुत सारी स्पीसीज में से अलग अलग टाइप की ड्रग को ऑब्टेन किया गया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से टेरामाइसिन ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस बहुत सारी ड्रग को फॉर्म करने का काम करता है। मैंने एक यहाँ पर एक लिस्ट दी है छोटी सी, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से टेरामाइसिन ऑब्टेन किया जाता है, नोट कर लेंगे बच्चे। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग ऑब्टेन की जाती है, एक साइंटिस्ट थे वक्स में, उन्होंने 1944 में इसको जो है सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में। स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेशियन से ऑरियोमाइसिन ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरोमाइसिन ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है, हाँ। और स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रिया से इरिथ्रोमाइसिन ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको बच्चे जरूर नोट कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज ऑब्टेंड, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 क्वेश्चन है। नोड जीन्स इन्वॉल्व इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन, ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में आया है। क्वेश्चन ये कहता है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से जो नोड जीन्स है, नोड्यूल बनाने वाला जीन, नोड जीन गिवन ऑप्शन जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, उसमें बनाने में हेल्प करता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन दिया है राइजोबियम, लेग्यूमिनस प्लांट, एडम्सिया, बोथ ए एंड बी। तो लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, और नोड्यूल फॉर्मेशन में राइजोबियम भी हेल्प करता है, तो नोडजीन राइजोबियम के पास भी प्रेजेंट होता है, नोडजीन लेग्यूमिनस प्लांट के पास भी प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरियम के पास में एक सोइल बैक्टीरियम है, इसके पास निपजीन भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मिक डीएनए के पास। ये जीन्स प्लाज्मिक डीएनए के पास प्रेजेंट होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइप का डीएनए है, क्रोमोजोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन आ चुका है हमारा। इस बैक्टीरिया के ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ब्लूग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी को, एलपी यानी यूपीएससी एलपी 2018 में क्वेश्चन आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा है कि जो साइनोबैक्टीरिया ब्लूग्रीन एल्गी है वो इन गिवन ऑप्शन में से किसमें प्रेजेंट नहीं है। ध्यान देने वाली बातें हैं, जब मैं साइकस की बातें करता हूं तो साइकस के पास में जो कोरोलॉइड रूट होती है, कौन सी रूट होती है, कोरोलॉइड रूट, यानी कोरोलॉइड रूट वो होती है जो सरफेस के आसपास प्रेजेंट होती है, तो उन रूट के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी कॉर्टेक्स की सेल्स हाईली इलोंगेटेड होती है, उनके अंदर साइनोबैक्टीरिया डेवलप हो जाया करते हैं। उनके नाम क्या है, दो नाम मैं बता रहा हूँ, नोस्टोक एंड एनाबिना। दे फिक्स द नाइट्रोजन, दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर्स फॉर साइकस प्लांट। तो साइकस के साथ भी एसोसिएशन करने का काम करता है कौन, ब्लूग्रीन एल्गी। तो इसका मतलब ये भी बात यहाँ पर सही है कि साइनोबैक्टीरिया के साथ में कॉम्बिनेशन करता है। पूछा कि कौन नहीं करता है, तो ये तो करता है, समझ लो ये भी आंसर राइट नहीं होगा, कि पाइलेस की बात आती है, पाइलेस में कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप साइनोबैक्टीरिया के साथ में नहीं मिलता, मिलता जरूर है लेकिन किसके साथ में मिलता है,
वहां पर फंजाई के साथ मिलता है, उसे माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। तो पाइनस में बीजीए यानी ब्लूग्रीन एल्गी ना मिलकर फंगस मिलता है, उसको माइकोराइजल एसोसिएशन कहता है, तो वो भी सिंबायोटिक एसोसिएशन है। तो आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने पूछा है कि ब्लूग्रीन एल्गी होना चाहिए, यहाँ पर कौन है? फंगस है, उसको माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। जब मैं एजोला की बातें करता हूँ तो ये आंसर तो हमारे पास क्या है? पाइनस है। मैं बता देता हूँ बाकी ऑप्शन के बारे में भी। जब मैं एजोला के बारे में बातें करता हूँ, ये स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न है, टेरिडोफाइट में आता है, और इस एजोला प्लांट की लीफ के अंदर कौन रहता है? एनाबिना प्लांट रहता है, और उसी में ही नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। और एनाबिना कौन है? साइनोबैक्टीरिया है, तो इसी साथ भी एसोसिएशन लग रहा है। जब मैं एंथोसिनोस की बात करता हूँ, ये एक ब्रायोफाइट है। ये ब्रायोफाइट कौन है? ये आपने नाम सुना होगा, एक क्लास होती है कौन सी? एंथोसिरोटोक्सिडा, इसको हम हॉर्नवर्ट भी कहते हैं। एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट के अंदर भी साइनोबैक्टीरिया फाउंड होते हैं, जो वहां पर भी बायोफर्टिलाइजर का काम करते हैं, दैट मीन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर तीनों चारों ऑप्शन में से हमारा पाइनस ऑप्शन राइट होगा। पूछा कौन नहीं है, तो पाइनस नहीं है, तो ये आंसर राइट होगा। ये एलपी 2018 में क्वेश्चन आया है। तो प्यारे बच्चों, ये बैक्टीरिया के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है एग्जामिनेशन में आने की। तो ऐसी हमारी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आगे चलते रहेंगे टॉपिक वाइज, और मैं होप करता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चंस को या जो भी मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। और प्लीज़ बायोनेटा क्लासेस को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।